नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। रमधा वन क्षेत्र में पुलिस व वन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ की बड़ी कार्यवाही। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में पुलिस व वन विभाग ने रमधा वन क्षेत्र बसेड़ी में अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त रूप से बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें रमधा जंगल क्षेत्र से अवैध खनन करते हुए एक हाइड्रा, एक एलएनटी, एक ट्रक व चार पत्थर काटने की मशीनों को मौके से जब्त किया है। वहीं भारी पुलिस लवाजमई को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ धौलपुर पुलिस की कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी। ये कार्यवाही एडिशनल एसपी वचन सिंह मीणा के नेतृत्व में की गई, जिसमें बाड़ी डीएसपी मनीष कुमार, सदर थाना बाड़ी के प्रभारी योगेंद्र सिंह, कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा, सैपू थाना प्रभारी परमजीत सिंह, मनिया थाना प्रभारी लखन सिंह, नादनपुर थाना प्रभारी राम अवतार वैरवा, सरमथरा थाना प्रभारी अनिल कुमार गौतम, डीएसटी टीम प्रभारी हीरालाल एवं वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। ₹5,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियार जब्त। कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर एवं डीएसटी टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए ₹5,000 के इनामी बदमाश व हिस्ट्री शीटर मुरारी उर्फ मुर्रो गुर्जर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक 315 बोर का लोडेड अवैध कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। कोतवाली थाना धौलपुर के प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि 25 जून को हिस्ट्री शीटर मुरारी गुर्जर ने बसई नीम गांव में अपने ही दोस्त मंजू गुर्जर को गोली मार दी थी, जिसके बाद आरोपी उसके ट्रैक्टर ट्रॉली को चुराकर फरार हो गया था। जान से मारने की नियत से किए गए हमले के बाद पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने आरोपी की गिरफ्तारी पर ₹5,000 का इनाम घोषित कर दिया। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश करने में जुटी थी। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को शुक्रवार को हिस्ट्री सीटर मुरारी के बसई नीम के जंगलों में होने की सूचना मिली, जिस सूचना पर डीएसटी और साइबर टीम के साथ बसई नीम के जंगलों में घेराबंदी की गई, जहां पुलिस से खुद को घिरा देखकर आरोपी मौके से भागने लगा, जिसे मौके पर मौजूद पुलिस ने घेराबंदी करके दबोच लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि हिस्ट्री शीटर व इनामी बदमाश मुरारी गुर्जर के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में 32 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। ये कई बार जेल भी जा चुका है और जेल से बाहर आने के बाद फिर अपराध जगत में सक्रिय हो जाता है। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर से पुलिस विभिन्न अपराधों को लेकर पूछताछ कर रही है। झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से 14 दिन के मासूम की मौत, परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज, जांच शुरू। सदर थाना धौलपुर क्षेत्र के ओदी गांव के चौराहे पर शुक्रवार को एक झोलाछाप डॉक्टर के निजी क्लिनिक पर इलाज करा रहे 14 दिन के बच्चे ने दम तोड़ दिया, जिससे नाराज होकर परिजनों ने सदर पुलिस को डॉक्टर के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। सदर थाने के एएसआई लालवंत सिंह ने बताया कि बसेड़ी थाना क्षेत्र के भगौरा गांव के रहने वाले रामभजन पुत्र दत्त सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को पुलिस को एक रिपोर्ट दी थी। उसमें बताया था कि उसके बेटे को 4 दिन पहले बुखार आया था, जिस पर वह उसे लेकर अस्पताल इलाज के लिए पहुंचा, जहां से दवाइयां लिखवाकर वह जब वापस लौट रहा था तो उसके बेटे की तबीयत बिगड़ गई। इसी दौरान रास्ते में ओदी तिराहे पर डॉक्टर जुगल किशोर को उसने बच्चे को दिखाया, जहां डॉक्टर ने बच्चे को अपने निजी क्लिनिक पर भर्ती कर लिया। पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया है कि 4 दिन तक इलाज कराने के बाद भी उसका बच्चा ठीक नहीं हुआ,
और उसने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाया है। एएसआई लालमन सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चे की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम करवाया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। पानी में डूबकर गाड़ी चालक की संदिग्ध मौत, हार्ट मिक्स प्लांट पर करता था काम। धौलपुर जिले के मनिया स्थित हॉट मिक्स प्लांट पर एक गाड़ी चालक की शुक्रवार को डूबने से मौत हो गई। चालक अमित ने बताया कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी करीब 25 वर्षीय लोकेश यहां प्लांट पर गाड़ी चलाता था। शुक्रवार को यहां बने टैंक में डूबने से उसकी मौत हो गई है। संचालक ने बताया कि लोकेश शराब पीने का आदि था। अब धौलपुर में सबसे सस्ती कीमत मात्र 45,000 रुपए में खरीदे आकर्षक लुकिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एवं मोटरसाइकिल, वह भी आसान किस्तों में। एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की गारंटी, सीमित समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने पर विशेष छूट। साथ में कोई भी पुरानी स्कूटी लाएं और नई ले जाएं। एक बार शोरूम पर टेस्ट ड्राइव के लिए जरूर पधारे। हॉप इलेक्ट्रिक सिद्धि विनायक मोटर्स, पता मचकुंड मोड़ के पास, जगदीश टॉकीज, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर विनय गोयल। वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा प्रताप नगर गौशाला धौलपुर सिकर पैटर्न पर संचालित कक्षा नर्सरी से 12वीं तक जिले का एकमात्र हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम शिक्षण संस्थान। संकाय जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग। विशेषताएं, योग्य एवं अनुभवी एवं विद्वान शिक्षकों की सशक्त टीम, स्कूल व कोचिंग की सुविधा एक ही जगह, हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी माध्यम का भी परिणाम जिले में सर्वश्रेष्ठ। वनस्थली के छात्र जो बने जिला टॉपर, 12वीं विज्ञान वर्ग में अनिल प्रजापति हिंदी माध्यम 97%, सुमाइल खान हिंदी माध्यम में 96.40%, अंकित सिंह इंग्लिश मीडियम 97%, 12वीं कला वर्ग में विकास परमार हिंदी माध्यम 97.20%, मोहित मुद्गल इंग्लिश मीडियम 96%, सान्य शर्मा 10वीं में 95.17%, 12वीं विज्ञान वर्ग में 35 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक, कला वर्ग में 20 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा में 20 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए सिकर पैटर्न पर वनस्थली स्कूल में ही। तो फिर जयपुर कोटा सिकर ही क्यों, वनस्थली क्यों नहीं। संपर्क करें राजकुमार तोमर संचालक, हरिओम तोमर व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। घर के कमरे में ही युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र की मोहन कॉलोनी में गुरुवार देर शाम को एक मकान में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। शुक्रवार सुबह मृतक के भाई द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। हेड कांस्टेबल भीमसेन ने बताया कि घटना को लेकर मृतक युवक दिनेश उम्र 35 साल पुत्र सुंदर सिंह कुशवाहा के भाई रत्ना ने पुलिस को रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि मृतक शादीशुदा था, जिसकी पत्नी घर पर नहीं थी। घर पर अकेला होने की वजह से जब माँ जमुना देवी उसके भाई दिनेश को खाना देने के लिए घर गई तो मृतक के कमरे के बाहर से कुंडी लगी हुई थी। जैसे ही उसकी माँ कमरे में घुसी तो उन्हें युवक दिनेश जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। माँ की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से परिजन जब युवक को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को मॉर्चरी में रखवा दिया। कमरे के बाहर से कुंडी लगी होने की वजह से पुलिस युवक की मौत को संदिग्ध मान रही है। प्रथम दृष्टया मिली जानकारी के अनुसार युवक शराब के नशे का आदि था। सोन
सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। सोनिया गांधी त्याग व बलिदान की प्रतिमूर्ति है, पंडित दुर्गादत्त शास्त्री। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा सेंट्रल पार्क धौलपुर में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की गुरुवार को नई दिल्ली में नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी में पेशी को लेकर विरोध जताया। साथ ही ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर नारेबाजी की। धरने की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में धरने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति है। जिस महिला ने देश को जोड़कर रखा, जिसकी सास और पति ने देश के लिए बलिदान किया, पीएम पद तक को ठुकरा दिया, उसे इस तरह से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार सरकारों को बनाने एवं गिराने का हथियार बन गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का देश के लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं है। पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ईडी एवं सरकारी एजेंसियों से डरने वाली नहीं है। यह लड़ाई देश को व संविधान को बचाने की है। इस समय पूरा देश सोनिया गांधी व राहुल गांधी के लिए सड़क से लेकर संसद तक खड़ा हुआ है और आने वाले समय में इसका जवाब देश की जनता देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह के कार्य कर रही है। धौलपुर विधानसभा के प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं में आक्रोश है। रुपया का गिरता स्तर व आटा दाल सूजी मैदा गुड़ पर जीएसटी की वजह से पूरे देश में सरकार के प्रति गुस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्षी नेताओं को निशाने पर लेकर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस के जिला प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। जैन ने कहा कि यह लोकतंत्र के विरुद्ध उठाया गया कदम है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित मुद्गल व शालिनी शर्मा सहित अन्य ने भी धरने को संबोधित किया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अनीस खान, एससी विभाग के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह दरियापुर, ओबीसी अध्यक्ष राजेश प्रजापति, मानवेंद्र शर्मा, पार्षद किशन सिंह आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में, माननीय शास्त्री जी के नेतृत्व में, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को धरना दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी द्वारा की गई पूछताछ की घोर निंदा की गई और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये प्रतिशोध की राजनीति कर रही है और सरकार ये दुरुपयोग करके कांग्रेस जनों को परेशान करने का काम कर रही है। इसका जवाब आने वाले समय में देश की जनता देगी। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा यहाँ गांधी पार्क में जो ईडी का दुरुपयोग करके श्रीमती सोनिया गांधी जी को बेवजह परेशान किया जा रहा है, जबकि ये केस पहले ही बंद हो चुका है, फिर भी एक मानसिक हरासमेंट करने के लिए जो केंद्र सरकार ईडी और इनकम टैक्स वाले के द्वारा कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता और हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को परेशान कर रही हैं, उसके लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से तन मन धन से अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के साथ खड़ा है और जिस तरह से देश में जो राजनीति चल रही है कि आज खाने की चीज़ों पर भी टैक्स लगा है, तो इससे गरीब आदमियों के मध्यम वर्ग की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है और अगर यही हालत रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका जैसे हालात हो जाएं। इसलिए हम इस जो ईडी है और आईटीए जैसी संस्थाओं को जो जिनके द्वारा
अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर या कांग्रेस के पदाधिकारियों पर जो दुरुपयोग किया जाता है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। शेरपुर स्कूल ने फिर बढ़ाया पूरे प्रदेश में धौलपुर का मान। स्वच्छ विद्यालय के लिए राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ चयन। जिले के ट्रेन वाले स्कूल के नाम से चर्चित शेरपुर विद्यालय ने फिर एक बार धौलपुर जिले का पूरे प्रदेश में मान बढ़ाया है। भारत सरकार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना में जिले में संचालित सभी राजकीय एवं प्राइवेट स्कूलों में से राष्ट्रीय स्तर के लिए इस वर्ष शेरपुर स्कूल का ही एकमात्र चयन हुआ है, जबकि पूरे प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर के लिए 26 स्कूल नामित किए गए हैं। विद्यालय के स्वच्छता प्रभारी एवं शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा के मुताबिक स्कूल परिसर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए शिक्षकों के साथ साथ 30 सदस्यों की बाल संसद को जिम्मेदारी सौंप रखी है। विद्यालय शिक्षकों की टीम भावना और ग्रामीणों के सहयोग से बीते सालों में स्कूल का नामांकन 30 से बढ़कर रिकॉर्ड 425 से अधिक पहुंचा दिया है। राजेश शर्मा ने बताया कि बच्चों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए प्रत्येक कक्षा कक्ष के साथ स्कूल परिसर में जगह जगह डस्टबिन रखे गए हैं। मिड डे मील के खाने से पहले सभी बच्चों को हाथ धोने के लिए साबुन एवं हैंड वॉश के साथ वॉश मशीन पर हाथ साफ करने के लिए तौलिया रखी गई है। इसके साथ ही विद्यालय में हरा भरा गार्डन, छात्र एवं स्कूल की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के साथ स्मार्ट टीवी के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जाता है। स्वच्छता प्रभारी राजेश शर्मा एवं एचएम वंदना ने शेरपुर स्कूल का राष्ट्रीय स्तर के लिए पूरे प्रदेश के 26 विद्यालयों में शामिल होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए शिक्षकों, अभिभावकों, बाल संसद के पदाधिकारियों व सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। इस मौके पर अध्यापिका तराना देवी एवं शारीरिक शिक्षिका रागिनी त्रिवेदी ने बाल संसद की कार्यकारिणी के बेहतर कार्य के लिए तिलक लगाकर व टॉफी खिलाकर मुंह मीठा कर सम्मान किया। इस दौरान राम शंकर, रेखा मीणा, बिरखू लाल सहित कई अभिभावक मौजूद रहे। विद्यालय की साफ सफाई, शौचालय मूत्रालय की साफ सफाई, बच्चों को मिड डे मील से पूर्व हाथ धोने के बारे में प्रशिक्षित कराया और संपूर्ण विद्यालय की कार्यकारिणी इससे विद्यालय को स्वच्छ बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसके साथ सभी अभिभावक एवं शिक्षक साथियों का लगातार सहयोग से हमको संपूर्ण राजस्थान के 26 विद्यालय जो भारत सरकार के लिए स्वच्छ विद्यालय के लिए नामित किए गए हैं उनमें शेरपुर का नाम शामिल होना हम सबके लिए गौरवान्वित कर रहा है। शनिवार और रविवार को डॉक्टर आर के पांडे धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। डॉक्टर आर के पांडे जी एमडी मेडिसिन, एमडी कार्डियोलॉजी, हार्ट स्पेशलिस्ट इस माह 23/7/2022 शनिवार की शाम एवं 24/7/2022 रविवार को सुबह धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। वे 23/7/2022 शनिवार को शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं 24/7/2022 रविवार को सुबह 9 बजे से साय 4 बजे तक परामर्श देंगे। अतः 23/7/2022 एवं 24/7/2022 को ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, म्यादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर के पांडे जी से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। पता एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर, कार्डिक आईसीयू के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अधिक जानकारी तथा पूर्व अपॉइंटमेंट के लिए 97-85-30-45-30, 96-60-93-52-72 पर संपर्क करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलेटेड विद्यालय, जिसके अंदर आपको सभी कक्षाएं फुली AC व डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन पूर्णतः अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में, बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण,
यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स व सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। CBSE नई दिल्ली से संचालित विद्यालय, जिसका CBSE एफिलिएशन क्रमांक है 173119, प्राचार्य प्रवीण त्यागी। राजाखेड़ा का एकमात्र अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, पाठशाला सीनियर सेकेंडरी एवं बचपन प्ले स्कूल, जहां देता है अपनी सभी बालिकाओं को शुल्क में 50% की छूट, ताकि क्षेत्र की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सके। विद्यालय देता है 10वीं के अंकों के आधार पर 10% से लेकर 100% तक छात्रवृत्ति। एकमात्र विद्यालय जिसने इस सत्र में 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 6000 वार्षिक और 95% से अधिक अंक लाने वालों को 12,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति अगले 3 वर्षों तक देने की शुरुआत विद्यालय के छात्र श्रेयांश जैन एवं विनय कुमार सिंह को प्रदान कर की गई है। विद्यालय की गारंटी इस वर्ष से बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की, अन्यथा फीस वापस। हमारा उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति उत्साह पैदा करना है। निदेशक डॉक्टर तरुणा मिश्रा, पता बिचोला रोड, राजाखेड़ा, धौलपुर। AVM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के विद्यार्थियों ने 12वीं परीक्षा के परिणाम में किया अच्छा प्रदर्शन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम कक्षा 12वीं में AVM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के विद्यार्थियों ने धौलपुर जिले में अच्छा प्रदर्शन किया है। विज्ञान वर्ग में आयुष बंसल ने 98%, वाणिज्य वर्ग में आस्तिक अग्रवाल ने 95% एवं कला वर्ग में माही शर्मा ने 96% अंक प्राप्त किए हैं। इसी के साथ अन्य विद्यार्थियों का भी परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है, जिसमें विज्ञान वर्ग से अंकित त्यागी 93%, शुभम मित्तल 93%, करण सिंगल 93%, उन्नति त्यागी 92%, अहमद खान 92%, निशा सिंगल 91% एवं वाणिज्य वर्ग में अभिनव मंगल 94%, कार्तिकेय गोयल 93%, तौफिक खान 91.2%, कार्तिकेय अग्रवाल 90.4%, कृष्णा सिंगल 90.2% तथा कला वर्ग से कोरल राजोरिया 90.6%, अनन्या गहलोत 90.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। इस अवसर पर शिक्षाविद वीरेंद्र कुमार त्यागी ने AVM कॉन्वेंट के विद्यार्थियों एवं उनके माता पिता तथा संस्था के सभी शिक्षक गणों को बधाई दी और उनके योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी भीड़ के नागरिक नहीं बने और अपने व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। इस दौरान शिक्षाविद VK त्यागी, डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, उप प्राचार्य अनिता त्यागी ने सभी छात्रों को फूल माला पहनाकर सम्मान किया एवं मिठाई खिलाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आयुष बंसल, आई एम द स्टूडेंट ऑफ AVM कॉन्वेंट स्कूल ऑफ क्लास 12 स्ट्रीम साइंस। आई स्कोर 97.2% इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। माई एम्बिशन ऑफ लाइफ इज टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई वॉन्ट टू परस्यू दिस फ्रॉम IIT। माई टीचर्स एंड पेरेंट्स हेल्प मी अलॉट ड्यूरिंग बोर्ड प्रिपरेशन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज माही शर्मा। आई हैव रिसेंटली स्कोर्ड 96% इन क्लास 12 CBSE रिजल्ट्स एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ AVM कॉन्वेंट स्कूल, आई वुड लाइक टू गिव फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्रेडिट टू माय पेरेंट्स फॉर दिस। दे हैव प्रोवाइडेड मी द बेस्ट टाइप ऑफ फैकल्टी एंड फैसिलिटीज व्हिच एवर आई नीडेड एनी टाइम। एंड द नेक्स्ट क्रेडिट आई वुड लाइक टू गिव टू द स्कूल कैंपस एंड द फैकल्टी मेम्बर्स। दे आर रियली ब्रिलियंट टीचर्स, आई मस्ट से। And all the facilities were very good and thank you so much. हमारी बेटी का नाम माही शर्मा है। शुरू से AVM कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी है। यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया उसको, इसीलिए उनकी मेहनत, उनके सपोर्ट की वजह से माही ने 12th क्लास में 96% प्राप्त की है। ये बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू। नमस्कार, मैंने अभी 12th बोर्ड्स में 94% स्कोर किया। मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स, अपने स्कूल एवं सारे टीचर्स और अपने सारे दोस्तों को देना चाहता हूं। मैं आगे जाके CA बनना चाहता हूं। थैंक यू। 12वीं कला वर्ग के परीक्षा परिणाम में छात्र व छात्रा ने बढ़ाया जिले का गौरव।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए 12वीं कला वर्ग के परीक्षा परिणाम 2022 में धौलपुर जिले की छात्रा रक्षा विलियम, पुत्री अल्बर्ट विलियम एवं माता छाया विलियम्स ने 95% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। वहीं छात्र प्रियांश शर्मा, पुत्र नरेंद्र कुमार शर्मा, माता रत्ना शर्मा ने भी 95% अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि गत सत्र में कोरोना की वजह से सभी विद्यालयों में नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में छात्रों का परीक्षा परिणाम सराहनीय है। इस अवसर पर दोनों छात्रों के मार्गदर्शक और शिक्षक राम अवतार शर्मा ने छात्र छात्राओं को उनकी सफलता के लिए बधाई दी तथा भविष्य में इससे भी बेहतर परिणाम देने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं प्रदान की। मेरा नाम रक्षा विलियम्स है। आज मेरा CBSE क्लास 12 का रिजल्ट आया है और इसमें मैंने 95% मार्क्स स्कोर किए हैं। मैं इसका क्रेडिट विशेष करके अपने मम्मी पापा को और अपने सपोर्टर में, मतलब जितने भी टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है, मैंने ट्यूशन ली है, मैं इन सबका क्रेडिट उन्हें देना चाहूँगी। और मैं विशेष करके सबसे यही कहूँगी कि सेल्फ स्टडी मेन है और मैंने सेल्फ स्टडी से इसको हासिल किया है। भविष्य में क्या बनना चाहती हूँ? मैं भविष्य में अपने UPSC की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ और ये मेरा एम है। सबसे पहले धन्यवाद फास्ट ट्रैक को जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम प्रियांश शर्मा है और मैंने क्लास 12th में 95% स्कोर किया है। मैं आर्ट स्ट्रीम से था और मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता को, फिर श्री कृष्ण और फिर अंत में और सबसे जो विशेषकर जिनका वो योगदान है वो है मेरे सर, जिनमें विशेषकर जो हैं वो राम अवतार सर और भी कई टीचर्स हैं। राजाखेड़ा के सौमिक ने CBSE बोर्ड परीक्षा में हासिल किए 98% अंक। केंद्रीय बोर्ड CBSE के द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षा के परीक्षा परिणाम शुक्रवार सुबह जारी कर दिए गए हैं, जिसमें अलग अलग स्थानों से छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक प्राप्त करने में बाजी मारी है, जिसमें राजाखेड़ा के सौमिक जैन, पुत्र संजय जैन ने 12वीं बोर्ड अंग्रेजी माध्यम में वाणिज्य वर्ग में 98.5% अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही दूसरे छात्र अक्षत जैन, पुत्र मनोज जैन कोठारी ने भी 12वीं बोर्ड परीक्षा में 97.5% अंक एवं छात्रा मिष्टी जैन, पुत्री ललित जैन ने 96.5% अंक प्राप्त किए हैं, जिसका श्रेय छात्रों ने माता पिता व गुरुजनों को दिया है। पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने की भाजपा प्रदेश आला कमान से मंत्रणा। बाड़ी के पूर्व विधायक बाड़ी एवं भाजपा के कद्दावर नेता जसवंत सिंह गुर्जर ने जयपुर पहुंचकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया से मुलाकात की, जिसमें वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य एवं आगामी रणनीति पर गहन मंत्रणा की। पूर्व विधायक ने धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं द्वारा पुलिस कार्यों में हस्तक्षेप कर निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसाकर उन्हें प्रताड़ित करने, कर्मचारियों को धमकाने व मारपीट करने जैसे गंभीर मुद्दों पर मंत्रणा की। साथ ही प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा की। इसके अलावा पूर्व विधायक गुर्जर राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर से भी मिले। धौलपुर प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट EVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility, EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and स्मार्ट क्लास खंटागढ़ रोड धौलपुर एडमिशन ओपन। धौलपुर जिले का सबसे पुराना स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ष 1977 से लेकर अब तक जिसके दर्जनों विद्यार्थी बने IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, CA आदि, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक,
शंकाय बायोलॉजी मैथ वाणिज्य व कला वर्ग। विद्यालय का रिजल्ट हर वर्ष 98% से अधिक, जिसमें से अधिकांश विद्यार्थी 80% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण। योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, खेल मैदान, पेयजल एवं विद्युत की उचित व्यवस्था, न्यूनतम फीस में अच्छी शिक्षा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में संचालित, सभी संकाय में प्रवेश प्रारंभ। सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी आउटडोर के पीछे जेल रोड धौलपुर। धौलपुर से 110 अधिवक्ताओं का दल धार्मिक यात्रा पर चित्रकूट रवाना। अभिभाषक संघ धौलपुर के 110 अधिवक्ताओं का दल शुक्रवार शाम को रेलवे स्टेशन धौलपुर से ट्रेन से धार्मिक यात्रा पर चित्रकूट के लिए रवाना हुआ, जिसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविकांत जिंदल ने रोली चावल का तिलक लगाकर और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ ने बताया कि अभिभाषक संघ धौलपुर के इतिहास में यह प्रथम धार्मिक यात्रा है, जिसमें 110 अधिवक्ता अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। 3 दिवसीय धार्मिक यात्रा में सभी धार्मिक स्थानों का अधिवक्ताओं द्वारा भ्रमण किया जाएगा तथा धौलपुर जिले की खुशहाली के लिए मंगल कामनाएं की जाएगी। इस अवसर पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सैयद जमीर हुसैन, जज नरेंद्र मीणा, सचिव सुबोध शर्मा सहित अन्य जज और अधिवक्ताओं ने यात्रा पर गए अधिवक्ताओं का तिलक लगाकर स्वागत किया। अभिभाषक संघ धौलपुर के सारे वकील चित्रकूट धाम यात्रा पर जा रहे हैं। अधिकतर वकीलों को समय नहीं मिलता अपने अदालत से, कानून से, बहस से, तो हमने 2 दिन का समय निकालेंगे, हम आपस में बातें करेंगे, मन मुटाव भी कम होंगे, देश भी कम होंगे, इसलिए हम 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं, धामी यात्रा पूरी करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने एडीजे साहब रवि जिंदल जी को, जो हमें यहाँ तक आए और हमारी यात्रा को उन्होंने शुभकामनाएं दी और हिंदी दिखाई। आज अभिभाषक संघ धौलपुर धार्मिक यात्रा पर चित्रकूट जा रहे हैं, तो इनको रवाना करने के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारी शुभकामनाएं सबके साथ हैं, इनकी जो यात्रा है वो पूर्ण रूप से सफल रहे, भगवान इनकी सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे जिस उद्देश्य को लेकर के, और ये जिस मनोकामना के साथ जा रहे हैं वो सभी पूर्ण हो, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। एक प्रस्ताव हमारे सम्मानीय अधिवक्ताओं की ओर से आया कि अध्यक्ष जी आप एक धार्मिक टूर कहीं के लिए ले चलें, तो उस पर सभी सम्मानीय अधिवक्ताओं की मीटिंग बुलाई गई और सभी सम्मानीय अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और ये निश्चित किया गया चित्रकूट के लिए 22 तारीख को जाएं और 24 को शाम को वापस आके अपने दर्शन करें, जिसमें हमारे आज 22 तारीख को एडीजे माननीय एडीजे साहब ने हरी झंडी दिखाकर हमको चित्रकूट के लिए रवाना किया है। मैं तो यही कामना करता हूं कि जिस उद्देश्य से हम जा रहे हैं उस उद्देश्य से सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जय हिंद। खान में कार्य कर रहे श्रमिक के साथ मारपीट करने वाले डकैत को 1 वर्ष का कठोर कारावास। एडीजे कोर्ट बाड़ी ने शुक्रवार को 8 वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरमथरा थाना क्षेत्र में डकैतों के हमले में लिप्त एक डकैत को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी डकैत फौसु गुर्जर पुत्र जसोदा भरतपुर जिले के बयाना के गड़ी बाजना का रहने वाला है, जिसने अपने अन्य साथियों के साथ 12 मई 2014 को सरमथरा के खनन क्षेत्र में आकर काम कर रहे श्रमिक ब्रज किशोर पुत्र नारायण सिंह पर हमला किया था। एडीजे कोर्ट बाड़ी के राजकीय अधिवक्ता मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 12 मई 2014 को सरमथरा थाना क्षेत्र के धौंद कहारपुरा गांव के पास खान पर काम कर रहे एक श्रमिक ब्रज किशोर पुत्र नारायण सिंह गुर्जर पर बदमाश बेजू उर्फ बेजनाथ गुर्जर, पौसु गुर्जर, बनवारी गुर्जर और उग्रसेन गुर्जर ने हमला किया था, जिसमें ब्रज किशोर की बुरी तरह लाठी डंडों से मारपीट करने के साथ मौके पर काम कर रहे ट्रैक्टर को क्षतिग्रस्त किया था। आवाज सुनने पर जब कुछ लोग खान पर पहुंचे तो बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए। घटना को लेकर घायल
ब्रज किशोर पुत्र नारायण सिंह गुर्जर के भाई राम गोपाल उर्फ मुन्ना ने सरमथुरा थाने में तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने मामले में बदमाश बेजू उर्फ बैजनाथ गुर्जर, पौसू गुर्जर, बनवारी गुर्जर और अग्रसेन गुर्जर को आरोपी माना था, जिसका मामला एडीजे कोर्ट बाड़ी में विचाराधीन है। इस मामले में बेजू उर्फ बैजनाथ गुर्जर, बनवारी गुर्जर और उग्रसेन गुर्जर को पूर्व में ही सजा हो चुकी है। वही मामले में लिप्त शेष आरोपी फौसू गुर्जर निवासी थाना गड़ी बाजना को आज शुक्रवार को एडीजे कोर्ट के जज नीरज कुमार ने दोषी मानते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत श्रीमान के अंदर चालान पेश कर दिया, चालान में ट्रायल हुई, ट्रायल में न्यायालय ने फौसू के विरुद्ध अपना फैसला सुनाया, जिसमें मुलजिम फौसू को 323-341 आईपीसी में दोषी मानते हुए एवं एक साल का कठोर कारावास का अर्थदंड से दंडित किया। ये फैसला आज एडीजे साहब नीरज कुमार जी ने सुनाया। ग्राम रक्षक योजना का हुआ शुभारंभ, अब ग्रामीण निभाएंगे अपराध रोकने में भागीदारी। सदर थाना बाड़ी पर शुक्रवार को गांव की सुरक्षा अपने हाथ ग्राम रक्षक योजना का शुभारंभ किया गया। बाड़ी सीओ मनीष कुमार ने ग्राम रक्षकों को बैच लगाकर प्रशिक्षण दिया और उनके दायित्व को समझाया। बैठक के दौरान सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह रजावत ने बताया कि फिलहाल सदर थाने के करीब 2 दर्जन गांव में ग्राम रक्षक तैनात किए गए हैं, जिनको प्रशिक्षण देते हुए बैच लगाया गया है और उन्हें समझाया गया है कि वे पुलिस की किस प्रकार मदद कर सकते हैं तथा अपराध रोकने में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण के लिए ग्रामीणों एवं पुलिस में सामंजस्य संवाद एवं परस्पर विश्वास कायम करना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पकड़ मजबूत होगी और ग्रामीण लोगों की पुलिस के कार्य में भागीदारी होगी। उन्हें पुलिस व्यवस्था से अपनेपन का आभास होगा और युवाओं में आत्मनिर्भरता, उत्तरदायित्व एवं अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास होगा। आपको बता दें कि बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में चंबल का डांग एरिया आता है, जहां अपराध अधिक होते हैं। इसी को लेकर ग्राम रक्षक योजना का शुभारंभ सदर थाने से किया गया है और थाना क्षेत्र के 2 दर्जन गांव के युवाओं को बैज लगाकर ग्राम रक्षक बनाया गया है। आज थाना बाड़ी सदर पर ग्राम रक्षकों की बैठक ली गई थी, उसमें ग्राम रक्षकों को मार्गदर्शिका प्रदान की गई और उनके बैच लगाए गए और उनको प्रशिक्षण दिया गया है। उनको उनकी जिम्मेदारी बताई गई है कि किस प्रकार वो ग्राम और पुलिस के बीच में सामंजस्य का कार्य करेंगे और पुलिस की जितने भी कार्य हैं उनमें गांव की तरफ से पूरा सहयोग मिले, मौके पर जो कार्रवाई होती है उसमें वो क्या सहायता कर सकते हैं और पुलिस को जो भी इमदाद है वो उपलब्ध कराएं, कोई सूचना देनी है तो वो प्रदान करें। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ परिणाम, उच्चतम गुणवत्ता व न्यूनतम फीस वाला स्कूल, आवासीय ऋषि गालव विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, संकाय चीफ विज्ञान गणित कला वर्ग, कृषि विज्ञान कॉमर्स, बसों की विशेष व्यवस्था, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं के शिक्षण शुल्क में विशेष छूट, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए निशुल्क शिक्षा व कोचिंग, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को फीस में विशेष छूट। प्रवेश प्रारंभ, पता मिडवे होटल के पीछे जीटी रोड धौलपुर। संस्थापक दिनेश त्यागी, निदेशक मनोज त्यागी, व्यवस्थापक डॉक्टर पंकज त्यागी।
धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। हमारे यहाँ बेहतर गुणवत्ता, पूर्ण शिक्षा, आधुनिक एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, अनुशासित वातावरण की सुविधा। शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा किए जाते हैं, बल्कि संस्कारवान प्रगतिशील बच्चों के साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करना है। धौलपुर जिले में केवल हम ही हैं कई वर्षों से लगातार मेरिट देने वाले शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला कॉलोनी धौलपुर। 3 जुलाई को 12th में 90%, 10th में 80% एवं 8th में ए ग्रेड वाले छात्रों को तथा जिले के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को शारदे विद्यापीठ एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय करेगा सम्मानित। 10th में 90% से अधिक और 8th में ए ग्रेड वाले छात्रों की शिक्षा निशुल्क, एडमिशन ओपन। शारदे विद्यापीठ, गौशाला कॉलोनी धौलपुर। व्यवस्थापक संग्राम पंडित, प्रिंसिपल डीडी चौधरी, अनुशासन प्रभारी प्रदीप गुधेनिया। बंदरों का आतंक, स्कूली बच्चों के साथ 12 ग्रामीणों को काट चुके हैं बंदर। ग्रामीणों ने स्कूल का लगाया ताला, बंदरों के आतंक से भयभीत है ग्रामीण। 1200 की आबादी वाले धौलपुर जिले के सैपो इलाके के गांव दुबेपुरा के ग्रामीण इन दिनों भयभीत हैं। गांव में बंदरों के आतंक से परेशान ग्रामीणों की मदद के लिए ना तो प्रशासन आगे आ रहा है और ना ही ग्राम पंचायत स्तर पर कोई सुनवाई हो रही है। आए दिन बंदरों द्वारा हमले किए जाने के बावजूद ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं है। गांव के एकमात्र उच्च प्राथमिक विद्यालय में पिछले 3 माह में 3 बच्चों को बंदरों ने काट लिया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह विद्यालय खुलने से पहले ही विद्यालय पर ताला जड़ दिया। स्कूल पहुंचे शिक्षकों द्वारा समझाइश करने के बाद ग्रामीणों ने स्कूल का ताला खोला। बंदरों ने 1 साल में गांव के 12 लोगों को अपना शिकार बना लिया, जिनमें 3 स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे शामिल हैं। स्कूल की प्रधानाध्यापिका आशा राजौरिया के मुताबिक बच्चों के स्कूल में पहुंचने के बाद ना तो बच्चे कमरे से बाहर निकल सकते हैं और ना ही विद्यालय के समय में शौच के लिए जा सकते हैं। विद्यालय में कम कमरे होने की वजह से विद्यार्थियों को पढ़ाने में भी परेशानी आ रही है। हर वक्त विद्यालय के साथ गांव की हर गली में बंदरों का आतंक है। ग्रामीण सुनील दुबे ने बताया कि कई बार प्रशासन के साथ वार्ड पंच को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। क्या हुआ था? परसों मुझे बंदर खा गए थे, बाहर टॉयलेट करने गई थी तो स्कूल के स्टाफ ने बचाया था मुझे। गांव की आबादी कम से कम 1200 के लमसम है और बच्चा कम से कम 100-150 स्कूल में पढ़े हुए आते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा समस्या ऐसा बंदरों से और ज़्यादा ही फसल पूरी बर्बाद कर रही है। बच्चा बिल्कुल भयभीत हैं, स्कूल आ ना रहे, बहुत ज़्यादा समस्या है साहब। बंदर होंगे कम से कम 100-150, आए दिन रोज़ हादसा कर रहे हैं, पर डे को काम है साहब, बहुत ज़्यादा परेशानी। विद्यालय से मुझे मार्ट साहब ने बताया, मैंने सरपंच को बोला बंदर विद्यालय में परेशान कर रहे हैं, बच्चों को कई बार काट चुके हैं, विद्यालय में पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, बच्चों की लंच टिफिन को ले जाते हैं। और सरपंच ने बोला मैं 2-4 दिन में पकड़वा दूंगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई बंदर पकड़वाए गए हैं। यहाँ बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है, बच्चों को बाहर बैठने नहीं देते हैं। हमारे यहाँ रूम की भी कमी है तो क्लासों को बाहर नहीं बिठा सकते, कमांड क्लासें कहाँ तक चले, एक बच्ची को बंदर काट गया है। अब तक हमें भी खाना वाना खाते थे तो बीच में टिफिन ले जाते, तो इस वजह से हम बंदरों से बहुत परेशान हैं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें बंदरों को रोकने की या पकड़ने की कार्रवाई की जाए, पूरा विद्यालय ही परेशान है इससे। गांव के हिंदी स्कूल को बंद करके अंग्रेजी स्कूल खोला, ग्रामीण परेशान। एवीवीपी ने सौंपा शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर ने शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस मौके पर नगर मंत्री राघवेंद्र परमार ने बताया कि सरकारी स्कूलों को हिंदी से अंग्रेजी मीडियम में तब्दील करने के पीछे सरकार की मंशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की है, लेकिन अंग्रेजी मीडियम के चक्कर में हिंदी मीडियम के बच्चों का भविष्य अधर में झूल रहा है। धौलपुर जिले में हिंदी से अंग्रेजी में तब्दील होने के बाद कई तरह की समस्याएं सामने आने लगी हैं। अभिभावकों का कहना है कि इंग्लिश मीडियम में हो जाने से सभी टीसी कटवाने के लिए मजबूर हो चुके हैं और पढ़ाई करने के लिए बच्चों को 3-4 किलोमीटर दूर तक पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है। वहीं नगर सह मंत्री भरत जाट एवं राहुल गुर्जर ने कहा कि अभिभावकों का कहना है कि बिना ढांचा खड़े किए इस प्रयास से क्वालिटी एजुकेशन की उम्मीद बेमानी है। ज्ञापन में ग्रामीणों की समस्याओं को समझकर उनके निराकरण की मांग की गई है। ज्ञापन देने वाले निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह, जिला समिति सदस्य धीरेंद्र सिंह, सुमित कंदील, राहुल गुर्जर, विकास अग्रवाल, सहदेव जाट, धोनी, आदित्य वर्मा, सिक्टू कुमार, दीपेंद्र सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पहाड़ उर्स कमेटी धौलपुर के सदर बने मोहम्मद फरहत खान। पहाड़ उर्स कमेटी धौलपुर का चुनाव पुराना शहर धौलपुर में संपन्न हुआ, जिसमें मोहम्मद फरहत खान को चुनाव कमेटी द्वारा निर्विरोध सदर चुन लिया गया। इस मौके पर आलिमुद्दीन अंसारी, जहूरा खान पूर्व पार्षद, जाहिद कुरेशी, इसरार खान, मोमिन मास्टर, सराफत खान, सद्दाम खान, तजमीर अहमद, सादिक मास्टर, सगीर, बबलू छावनी, फारूक उस्मानी, गुड्डू कुरेशी आदि मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। भारतीय जनता पार्टी मंडल बसेड़ी के द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए नवनिर्वाचित द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार ने कहा कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, जो देश के लिए गर्व का पल है। इस मौके पर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पीयूष शर्मा, डॉक्टर महेंद्र कोहली, शिव कुमार कोहली, देशराज तोमर, इकबाल, योगेश शर्मा, सचिन कोहली, मनीष सैन, भोलू गुर्जर, राहुल जाटव आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डांग क्षेत्र में स्वस्थ लीवर खुशहाल जीवन का संदेश देने बाइक रैली रवाना। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हेल्दी लीवर अभियान के अंतर्गत आमजन को स्वस्थ लीवर खुशहाल जीवन का संदेश देने के लिए जिला प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और चंबल रॉयल क्लब द्वारा जागरूकता बाइक रैली निकाली गई, जिसको जिला अस्पताल धौलपुर के पीएमओ समरवीर सिंह सिकरवार ने सर्किट हाउस धौलपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा तथा चंबल रॉयल क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजौरिया भी मौजूद रहे। डिप्टी CMHO डॉक्टर मीणा ने बताया कि आगामी 28 तारीख को विश्व हेपेटाइटिस दिवस तक चलने वाले हेल्दी लिवर अभियान के अंतर्गत आम जन को लिवर हेपेटाइटिस एवं लिवर की अन्य बीमारियों से बचाव एवं उनके नियंत्रण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में बाइक रैली की शुरुआत की गई है। यह रैली सरमथुरा के डांग क्षेत्रों में आमजन को हेपेटाइटिस व लिवर की अन्य बीमारियों के बारे में जागरूक करेगी। इस दौरान जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, बाल कल्याण समिति सदस्य ब्रजेश मुखरिया, जिला एपिडेमोलॉजिस्ट अखिलेश गर्ग, CEO IEC प्रवीण अवस्थी, मंजरी फाउंडेशन निदेशक संजय शर्मा, हरिनिवास प्रधान, संजय अग्रोहा आदि मौजूद रहे। नेहरू राजस्थान
हेल्दी कैंपेन के तहत आज हेल्दी लिवर कैंपेन का तहत एक बाइक रैली का आयोजन जिले धौलपुर में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों में अपने लीवर को सुरक्षित रखने के उपायों के बारे में जन जागरूकता के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को जगाना है कि अपने लीवर को सुरक्षित रखें। ये कि हमारे शरीर का एक मुख्य अंग है जो हमारे शरीर के मोटे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, एंटीऑक्सीडेंट जो है उनको प्रोडक्शन करता है, और हमारे पूरे शरीर का खाने पीने का जो भी सिस्टम है उसको सबको मेंटेन करने का है। इसलिए लोगों को एक ही जागरूकता देने के लिए किया जा रहा है कि अपने लीवर का ध्यान रखें। शिविर में खाद्य लाइसेंस के लिए हुए 103 आवेदन प्राप्त। व्यापार मंडल बसेड़ी के सहयोग से अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार के नेतृत्व में फूड लाइसेंस शिविर का शुक्रवार को आयोजन किया गया। फूड इंस्पेक्टर पदम सिंह ने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया व आयुक्त खाद्य सुरक्षा जयपुर के निर्देशानुसार खाद्य सामग्री विक्रेताओं के फूड लाइसेंस बनाने के लिए धौलपुर जिले में 10 जगह शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आज बसेड़ी शिविर का आयोजन किया गया है। फूड लाइसेंस बनाने के साथ साथ दुकानदारों को कानून के प्रति जागरूक किया जा रहा है एवं मिलावटी व घटिया क्वालिटी का सामान बेचने व बनाने तथा बिना लाइसेंस के दुकान संचालित करने पर बनाए गए कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है। सभी से भविष्य में उच्च क्वालिटी की खाद्य सामग्री बेचने एवं निर्माण करने की हिदायत दी गई है। इस दौरान शिविर में लाइसेंस के लिए 103 आवेदन प्राप्त हुए। व्यापार मंडल महामंत्री रवि गोयल दोपुरा वाले ने बताया कि शिविर के दौरान किराना, तेल मिल, आटा चक्की, मिठाई, दूध, डेयरी संचालित करने वाले दुकानदारों से फूड लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन प्राप्त किए गए हैं। इस दौरान किशोर सोनी, किशन सिंह, सोनू, लव गोयल, मनोज गोयल, राघव, दर्शन लाल, अर्पित गर्ग सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के 10 कैंप लगाए जाने हैं। इस कड़ी में ये दूसरा कैंप आज दिनांक 22 जुलाई को बसेड़ी में लगाया जा रहा है, जिसमें अब तक कुल 60 एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के प्राप्त हो गए और उम्मीद है कि यह आंकड़ा 100 को पार कर लेगा। ये जो फूड लाइसेंस है इसके साथ साथ ही व्यापारियों को जागरूक भी किया जा रहा है और जो कानून है उसका पालन करने की उनके अंदर जो समझ पैदा हो इस बाबत भी जागरूक किया जा रहा है। भागवत कथा के समापन पर हुआ भंडारे का आयोजन। बसेड़ी कस्बे के बाड़ी मार्ग पर स्थित नहर कोठी के समीप चल रही भागवत कथा का शुक्रवार को समापन हुआ। भागवत कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। भंडारे में खीर, पुआ व सब्जी की प्रसादी वितरित की गई। भंडारे का आयोजन दोपहर से शाम तक जारी रहा। भंडारे के आयोजन से पूर्व हवन में पूर्ण आहुति दी गई। इस दौरान कथावाचक केशव देव शास्त्री ने कहा कि इंसान को अपने कर्म करते रहने चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा जीव जंतु, पशु पक्षी आदि के प्रति भी दया भाव रखना चाहिए। इस दौरान कई श्रद्धालु मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।